श्रीयादि प्रजापति उत्थान संयुक्त मोर्चा संस्थान के द्वारा किया गया कुम्हार प्रजापति समाज का महाकुंभ। इस महाकुंभ के द्वारा समाज ने राजनीतिक दलों में उचित भागीदारी की मांग की है। साथ ही माटी कला एवं शिल्प कला बोर्ड के एवज में श्रीयादि माटी कला बोर्ड के गठन की मांग की, जो देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर हो। साथ ही कुम्हार प्रजापति समाज ने आरक्षण को 7% से बढ़ाकर 27% तक करने की मांग की व अन्य मांगे रखी गयी। नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा स्वराज भारत से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ, प्रत्येक जातियों का महाकुंभ जो हो रहा है, प्रत्येक जातियों का महाकुंभ देखने को मिल रहा है। तो आज यहाँ पे प्रजापति समाज का भी एक महाकुंभ हो रहा है, और इस महाकुंभ का मेन उद्देश्य क्या है, इस महाकुंभ का जो है वो मेन उद्देश्य और इनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या ये चाहते हैं, आज यहाँ पे जो ये पब्लिक एकत्रित है, आज यहाँ पे पब्लिक एकत्रित है, उनसे हम पूछना चाहेंगे, उनसे रूबरू करना चाहेंगे, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज जो ये प्रजापति समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इनका जो महाकुंभ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, उसमें ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या सरकार से ये पूछना चाहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगी। आप में से कौन बोलना चाहेंगे? हमारा अस्तित्व समाप्त करने, कुछ लोग हमारे अस्तित्व को समाप्त करने के प्रयास किया था, इसलिए हमने उनको ये संख्या बल के आधार पर ये बताया है कि प्रजापति समाज ने तो कभी उसका अस्तित्व मिटा है ना कभी मिटेगा। और रही बात हमारे राजनीतिक में हमारे हक की बात, तो हम निश्चित तौर पे आज जो इस गुलाबी नगरी राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रजापति कुमार समाज द्वारा जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम एक ही संदेश देना चाहते हैं राजस्थान सरकार को भी और विपक्ष को भी कि प्रजापति समाज की भागीदारी राजनीति में तय की जाए, तो हम उन्हीं को सरकार में आगे लाएंगे। अब हम बताना चाहते हैं सरकार को कि हमें कम से कम बीजेपी और कांग्रेस दोनों 10-10 टिकट देवे और हमारा समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या बोलना चाहेंगे कि आज जो प्रजापति समाज है वो यहाँ एकत्रित हुआ है, यहाँ लोगों की मांग भी है कि ओबीसी में भी जो आरक्षण दिया जा रहा है वो भी आपको पर्याप्त नहीं लग रहा है, तो आप और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण जो है वो पेट भरने का साधन नहीं है। आरक्षण समाज को प्रतिनिधित्व देने का एक जरिया है, जिसके माध्यम से समाज अपने नेता चुनते हैं और अपने हक अधिकारियों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आज जो ये महाकुंभ आप देख पा रहे हैं, ये एक मैसेज के तौर पे लाखों की संख्या के अंदर आप सामने भीड़ देख रहे हैं, ये अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक छत के नीचे आए हुए हैं। प्रजापति जो समाज जाति है, जाति वर्ग है, वो सनातन जाति है, ये कोई आज की जाति नहीं है और कहीं से बनाई हुई निकली हुई जाति नहीं है, जिस प्रकार से और जातियां कुमावत और ये हैं, तो इसका तो शास्त्रों में भी वर्णन है। और भाई लोगों ने जो बात कही है उनमें एक बिंदु जो छूट गया, मैं उस पर तो जोर देना चाहता हूँ कि जो प्रजापति भाई मिट्टू वस्तु उत्पादन करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे किसान भाइयों के ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदा में उनका जो नुकसान होता है, उनको जो मुआवजा दिया जाता है, तो वो उस तबके के लोग करते हैं, मिट्टी वस्तु उत्पादन तो वही करते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका यदि नुकसान होता है तो ठीक उनके कृषकों की तरह उनको भी जो है उसका मुआवजा दिया जाए, ये सरकार के ध्यान में लाई जाए ये बातें, क्योंकि इससे बहुत ही दूर है सरकार, इन चीज़ों से छोटी समझते हैं लेकिन बहुत बड़ी है ये, जहाँ हम ये किसान को हम उसके नुकसान का फायदा देना चाहते हैं या कहीं भरपाई कर रहे हैं, तो एक कुम्हार को भी, प्रजापति को भी जो मिट्टी बर्तन बनाता है, मिट्टी वस्तु उत्पादन करता है, यदि उसका कहीं ऐसा नुकसान होता है तो उसका भी कहीं ना कहीं किसी अंश तक सरकार भरपाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो भाई लोगों ने बहुत सारी बातें बहुत बहुत थी कि हमारे को पार्टी कुमार और कुमाऊत दोनों को एक ही श्रेणी में लिया करती थी, उनको ये पता नहीं था कि ये कुमार अलग है और कुमाऊत अलग है, पर आज हमने महाकुंभ कर उनको बता दिया है कि कुमार अलग है और कुमाऊत अलग है, और कुमार जाति जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर
विभिन्न जगह हर पूरे वर्ल्ड में आपको कुमार मिलेंगे, क्योंकि कुमार उस सदी से है जब राम जी ने वनवास काट के आए थे, जब दीपक जले थे वो कुमार के ही दीपक थे। और आज हम चाहते हैं कि कुमार जाति को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और कुमार जाति आज एक यहाँ खड़ी है, लाखों की संख्या के अंदर आप देख सकते हो, हजारों की लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर प्रजापति समाज आया है। और प्रजापति समाज ये बता दिया कि कुमार जाति अलग है और कुमाऊँ अलग है, और हमारी मांगे ये हैं कि हमारे को राजस्थान के अंदर टिकट दिए जाएं, हमारे को अलग, हमारी विधानसभाओं के अंदर अगर कुमाऊँ को टिकट दिया तो कुमाऊँ को अलग, कुमार को अलग दिया जाए। ऐसे नहीं कि कुमाऊँ को दे दिया कुमार को नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हमारी मांगे हैं और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि ये मांगे सरकार हमारी मान ले। यही कहना चाहता हूँ मैं तो, सरकार से चेताना भी चाहता हूँ कि हमारी बहुत छोटी छोटी तीन मांगे हैं, OBC का वर्गीकरण, माँ श्री श्री आदि माता के नाम से बोर्ड गठन हो, और माटी कला बोर्ड से शिल्प नाम हटे। अगर ये हमारा काम नहीं करते, ये भीड़ जिस दिन सड़कों पे उतरेगी उस दिन सरकारों को भारी पड़ेगा। और मैं तो इनसे भी अपील करूंगा और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि हम वो कुमार हैं जो केवल मिट्टी को आकार देते हैं, हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पर उतरे। धन्यवाद। आइए तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज ये जो महाकुंभ यहाँ पे रखा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? यह हमारे कुमार समाज का, मतलब यहाँ महाकुंभ रखा है, उसका मेन उद्देश्य हम सरकार को हमारी एकता और ताकत का परिचय करवाना चाहते हैं। सरकार हमारा जब से इस्तेमाल कर रही है, आज़ादी के 75 साल से आज तक सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, और कांग्रेस और भाजपा जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। तो हम उनको एकता बताना चाहते हैं, हमारा मतलब प्रतिनिधित्व सरकार को बताना चाहते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो कुम्हार जाति है, एक प्रजापति जाति है, वो अपनी मांगों को लेकर इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं अनुराधा शर्मा, स्वराज भारत से।